चार लाइन गाने की भूमिका है साथियों, लिखे हैं कवि जी क्या, धन के आगोश में है धर्म रो रहा, खो रहा आज मान है अपनी मानवता, स्वार्थ का भूत सर पे अब चढ़ ही गया, अरे हुई आज यहाँ भी यहाँ है दानवता, डोली के साथ ही होली जल जाती है, तो डोली के साथ होली ही जल जाती है, चढ़ रही है चिता पे बहन बेटी रोके, साथ में क्या जमी लेके जाओगे तुम, क्या मिलेगा तुझे आबरू अपनी खोके। देखे गजल का नमूना बा जो हमारे मास्टर बजावत हमन। ये बा कि बुलबुले हम सभी सरजमी के, बुलबुले हम सभी सरजमी के, बुलबुले हम सभी सरजमी के, सताए हुए सरजमी के सताए हुए हैं, आज ही हमने बदला था चोला, आज ही हमने बदला था चोला, आज ही हम नहाए हुए सुंदर भाव कवि लिखे हैं क्या, कि दाव पे हार जाते हो जीवन, दाव पे हार जाते हो जीवन, कि ऐसे पागल जुआरी हुए हुए हैं, तो प्रीत मिलती ना पैसे से जग में हो, 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 प्रीत बिन हम भिखारी हुए। यहां से कहानी की शुरुआत कवि देहले उनका, कि जलता वतन है आज ये पैसे की आग में, अरे जलता वतन है आज ये पैसे की आग में, लिखे हो क्या तू ईश्वर वतन के भाग में, गांधी और राजा राम को फिर आना पड़ेगा, दहेज की सी आग को बुझाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश प्रांत रुद्रपुर के निवासी, रहते थे शिव कुमार थी एक दिल में उदासी,
अरे गोदी में मुन्नी बेटी एक दुलारा ना रहा, बुढ़ौती में बाबूजी का सहारा ना रहा। बिटिया की शादी करने को सारंगीपुर में आए, मुकेश साथ मुन्नी का जब ब्याह रचाए। शुभ लग्न पर बरात जब की द्वार पे आई, खुशी हुए हैं लोग बजी प्रेम सहनाई। पहले बात के समझ लें तो गाना भी समझने में आसानी हुई। उत्तर प्रदेश रुद्रपुर शिव कुमार, हाँ शिव कुमार का एक लड़की जो उन्हें नाम रहल मुन्नी। मुन्नी के शादी साथियों मुकेश से करते हैं, और जब शादी तय हो गई बारात आ गई मुन्नी के, शिव कुमार राजी खुशी से बिटिया कर। अब जौन बा यहाँ विदाई करत हन तो बड़ा विदाई के बिछो भाव बा, यहाँ एक तर्ज बा, आई तर्ज का नमूना वह बा का। अब बहिन बा नरमी उमरिया हो, तेरे बजा दे मास्टर एक पट्टी पर के बजाओ। यह बा कि अब ही बा नरमी उमरिया हो, आय हाय करे खाती बा। गीता त्यागी बलावत है बा, इन्हों को उमरिया बहन कहाँ छ गीता त्यागी के, यही लिए कहत है तनि हमार उमरिया ढेर बा, तो यही लिए नरमी उमरिया इनका कांची उमरिया है गीता का, तो यही लिए बचा खोजा के तनी कमवा हम गनवा में करती कैसे। अरे अब ही बनरमी उमरिया हो, अब ही बनरमी उमरिया हो, अब उमरिया हो क्रिया ले लाल। अब ही बनरमी उमरिया हो, जनी खिचा हमारी अचरिया हो, जनी खिचा हमारी अचरिया हो, अब अचरिया हो क्रिया ले लपाल। आज बिटिया मुन्नी के जब विदाई होत बा तब माई बिटिया के अखबारी में पकड़ के रोवत ही देखे साथियों। नैहर में बड़ा जब बिटियन के विदाई होले तो बड़ा दुखित वातावरण होता है। कवि लिखलन कि रोवा माई बरी से नजरिया हो, रोवा माई बरी से नजरिया हो, अब नजरिया हो सपना भइल बिटिया। अरे रख लिया बाबू का पगरिया हो, रख लिया बाबू का पगरिया हो, अब पगरिया हो सपना भई बिटिया। विदाई बेटी अइल ससुरमा, भइली विदाई बेटी अइल ससुरमा, भइली विदाई बेटी अइल ससुरमा। खुशी खुशी बीत गइल बाबू कुछ दिनवा, खुशी खुशी बीत गइल बाबू कुछ दिनवा, खुशी खुशी बीत गइल बाबू कुछ दिनवा। अरे छुट्टी अइल बाबूजी अनहरिया हो, अब अनहरिया हो सपना भइल बिटिया। शिव कुमार के बिटिया मुन्नी मुकेश के घर चली गई ससुराल। साथियों धीरे धीरे एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन शिव कुमार बाबू उस समय मिलिट्री में फौज में काम करते थे, फौज के जवान थे। और कुछ दिन के बाद इनकी नौकरी जब पूरी होना चाहिए साथियों, और जब घर पर आते हैं एक दिन इनकी पत्नी कहली कि बिटिया का हाल चाल ले बदे, तनि बिटिया के घरे जा, कैसे बेटी है कैसे नहीं बा। आय हाय अब छुट्टी सही ले के बाद शिव कुमार बिटिया का हाल चाल ले बदे अपनी बेटी के घरे पहुँचलन है। और जब बेटी घरे पहुँचलन तो देखें होत का बा कि पत्नी की बात को मान लिए, अरे पत्नी की बात को मान लिए, बिटिया की द्वारी आए हैं। तब देख के हालत बेटी की आंखों से अश्क बहाए हैं। वहाँ कमीना सब ससुराल में बेटी मुन्नी के दहेज के लिए, पैसे के लिए साथियों बड़ा परेशान करते थे, बड़ा तंग करते थे। बिटिया का हालत जब देखलन है, आँख से झरझर झरझर बाबू के आंसू चलत बा, झट सब्र धरा बाबू बोले,
झट सब्र धरा। बाबू बोले बेटी मत आंस बहाओ तू, क्या दुख है तेरे अंदर हमको साफ साफ बतलाओ तू। हाय हाय अपनी बेटी का सब व्यथा सुने लगलन है। और का सुनत हम एक थे यहाँ जोन बा तर्ज है बा क्लासिकल तर्ज बा जो उनकी अनहरिया बिता के अजोरे में रही हो। अरे अनहरिया बिता के अरे अजोरे में आई हाँ अनहरिया बिता के अरे अजोरे में आई हाँ। धीरे से किली खोल धीरे से किली खोल गई सिकरी बजाई हा धीरे से किली खोल गई ससुराल वाले आज बाबूजी के लड़की के सामने ही एक बात कहा था उनका कि अरे दूसरे बेरी जब की दुहारी पे आई हा बहाना जनी करी हा। अरे तू रुपया दे जाई हा बहाना जनी करी हा। साथियों आइलन है बाबूजी अपने घरे अपने पत्नी से बतौलक की बिटिया बड़ी दुख में बा ओकर व्यथा देखल ना जात बा। ससुराल वाले के बड़ा तंग करत हवन। हमसे वादा कैलन सब कि दूसरे बार जब यहाँ तो अपने सर्विस का सब रुपया हम लोग उनके लिया करके दे दीजिएगा, वरना ऐसे लड़की ना रही हमारे यहाँ। आहा बाबू जब ये बात सुनलन है तो आइलन घरे बतावत हम अपने पत्नी से लिखलन कवि टेरी में कहा कि अरे विपतिया कैसे सह बिटिया कि अरे विपतिया कैसे सह बिटिया अरे बाबू समझावा माई का फाटा छतिया। एक तर्ज बा तर्ज हो कि ताला खोल दे मास्टर तुम बजा दे बा यह बा जो हमारे मास्टर बजा दिलन तो ये तर्जवा हम फिट कैले हैं गीता त्यागी पर। ये लिए कि इनके मकान में गीता त्यागी के ढेर दरवाजा बा। आ गीता त्यागी के कुल दरवाजा में अलग अलग ताला लगल है तो वो कुल ताला एक चाबी से खुलेला आ वो चाबी हमारे पास है। कहो मुलचंद मास्टर तो वो चाबी बा कैसे यह कहले बाटी का तो एक दिन जो बा गीता त्यागी अपने मन सेधु से कहत रहिन तो हम सुनली का कि अरे ताला खोल दे कि ताला खोल दे अरे ताला खोल दे चाबी से वो परदेसी साजना रे ताला खोल दे अरे बंसी प्यार की बजा दे वो परदेसी साजना रे ताला खोल दे ताला खोल दे चाबी से वो परदेसी साजना रे ताला खोल दे या भाव कभी दहलन का कि बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुंह हमारे बाबू खुश हुए
भाव बड़ा सुंदर कवि धैले बटन क्या बाबा। वो हर मुन्नी के ससुराल वाले सोचते थे कि हमारे ससुर के जौन बा हमारे ससुर के शिव कुमार के कौनो संतान न बेटवा ना, यह लड़की है बा मुन्नी और हमारे घरे तो इनकर जितना सर्विस के रुपया पैसा धन दौलत खेती बाड़ी महल अटारी बा सब हमहन के हो जाई, लेकिन यह बाबू शिव कुमार के भगवान का मर्जी कि एक पुत्र रत्न के प्राप्ति बहुत दिन के बाद भेल। आज जब पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल है बारे भगवान के मर्जी बड़ा खुश समा शिव कुमार कि हमरे गोदी में एक फूल खिल गेल त का भेल। हाँ धन्य प्रभु तू किसी को भी धन्य प्रभु तू किसी को भी दिला ना सुखावा, धन्य प्रभु तू किसी को भी दिला दे सुखावा रे बाबू खुश हुए, बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुहावा रे बाबू खुश हुए, बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुहावा बाबू खुश हुए। धीरे धीरे लड़िकवा एक महीना का हो गल शिव कुमार के तब कि बीतल एक मास नारी कहली चेताई, बीतल एक मास नारी कहली चेताई, बीतल एक मास नारी कहली चेताई। अरे बिटिया के दे दा जा खबरिया पठाई, बिटिया के दे दा जा खबरिया पठाई, बिटिया के दे दा जा खबरिया पठाई। अरे दा रुपया वो राई जाई दो कर दुखावा रे बाबू खुश हुए, बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुहावा रे बाबू खुश हुए, बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुहावा बाबू खुश हुए। मतारी कहलीन अपने पति से, मतारी जोन बा पत्नी उनकर शिव कुमार के कहलीन कि एक काम करा कि शिव कुमार से कि बिटिया मुन्नी के यहाँ जितना रुपया पैसा धन दौलत उसे मांगत हो जा करके दे दा, हमहान का सब धन दौलत हमारी बेटवा है यह हमके मिल गल। आए हाय ले करके बाबू 50,000 रुपया और अपनी बिटिया के ससुराल रुपया देव बदे जात हन। लेकिन उधर जौन बा उन सबन के खबर मिल चुकल रहल कि ये मुन्नी के एक छोटा भाई भी पैदा हो चुकल बा, उन सबन के दिल में मुकेश होकर पति जवन रहल ओकरे दिल में जवन बा दूसरी भावना पैदा हो गई कि अबले तो लालच रहल कि सब धन दौलत एक नैहर के हमार होई, लेकिन एकर भाई जब एक पैदा हो गल तब तो वही के होई हमारे घरे मुन्नी अब रह करके करी का तनी देखें वो हर का हालत ही बा। यार बाबू जवन बा 50,000 रुपया लेकर के और अपनी बिटिया के यहाँ ससुराल में देव बजे दहेज के तौर पर जात हन एक तर्ज लगत तनी बढ़ के दा मास्टर तर्जवा उ बा कि अरे नानदू कि अरे नानदू ककारिया रखवाली हो राम उड़ जाई है, उड़ जाई है मारा फारी हो राम उड़ जाई है, उड़ जाई है मारा फारी हो राम उड़ जाई है, उड़ जाई है मारा फारी हो राम उड़ जाई है, उड़ जाई है मारा फारी हो राम उड़ जाई है। कि अरे तीरिया कमा के कहनवा हो राम चली भैले, चली भैले लेके धनवा हो राम चली भैले, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैला, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैला, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैले। तो वह वर मुन्नी पे आ गई विपतिया, वह वर मुन्नी पे आ गई विपतिया, वह वर मुन्नी पे आ गई विपतिया, सोचे बेईमान नहीं मिली दौलतिया, सोचे बेईमान नहीं मिली लूटल बेईमनवा हो राम चली भैले, चली भैले लेके धनवा हो राम चली भैले, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैला, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैला, चल भैला लेके धनवा हो राम चल भैला। पुत्र की खबर पाते ही वो सब ससुराल वाले सोच लिए कि अब तो इसका पिता धन नहीं मिलेगा, सब उसके लड़के का हो जाएगा, इसलिए मुन्नी को साथियों मार डालने की योजना बनाते हैं। एक दिन उसका पति मुकेश पहुंचा है और जा करके अपने दरवाजा बंद करके और अपने पत्नी मुन्नी को जब जान से मारने की योजना बनाता है, आह अपने पति के चरण पर गिर कर बेचारी मुन्नी रो रो करके एक बात कहती है, यहाँ करुण रस का भाव का कि अरे स्वामी का प्यारा धाई के दाया जा दिखी आए स्वामी जी,
अया का मुहावा दिखाई देवा सजाना हो। अरे झर झर बारी सतबाया खियाए स्वामी जी। स्वामी हमार जान मार दा, लेकिन हमारे बाबू के हमारे एक भाई जोन बा पैदा बा, तनि भाई के मुंह दिखा देता कैसे हमार छोटका भैया बा, एकरे बाद हमार जान मार दा स्वामी, और कोनो ललसा ना बा। लेकिन वह नीच कमीना मुकेश देखे किया क्या आज कि प्रीतिया से बढ़ा नहीं धन कीमतिया हो। अरे तू ही मोर जीवन का संगतिया ए स्वामी जी। रो रो करके वह अबला इतना तक कहती है, लेकिन वह नीच उस अपने घर में ही किया क्या साथियों कि गर्दन दबाई दी हलस जिंदगी मिटाई दी हलस कि अरे लुटी ली हलस बाबू जी का थतिया ए स्वामी। साथियों रातों रात मार कर उसके जान से गर्दन दबा कर मार दिए उस अबला को, मुन्नी को बिचारी के, अब पूरे परिवार के मिलकर सब लाश को रातों रात गांव के बगल में नदी थी उसी नदी में लाश को बहवा दिए साथियों। आहा। जब लाश बहवा दिए तब कभी हाँ भाव दलन धीरे धीरे सवेरा भैल हो, और जब दूसरे दिन बाबू अपनी बिटिया का हाल चाल लेव बदे 50,000 रुपया लेकर के ससुराल में देव बदे जब पहुँचलन है बाबू, वो समय का हाल बका अरे सपना भैलू रोवा बाबू सानी बिटिया रानी हो। आ छोरी के भगलू जहिया मिलन सानी बिटिया रानी हो। गांव वाले बतौले कि तोरे बिटिया मुन्नी ये दुनिया में ना बा, ओके सब रात कर मार करके जान से लाश के नदी में बहवा दिले बाटन सब। हाय हाय रोवे लगलन बाबू त जान की बाजी लगा वतन कहा महू लाज बचवली हो। आ घर का दौलत दुनिया में हम अपनी आज गंवली हो। अरे हुआ दमाद अपना ही आज गुमानी बिटिया रानी हो। आज चले न देबो ये कर मनमानी बिटिया रानी हो। कुमार प्रतिज्ञा कर लिए कि बिटिया के जान सब तले लहलन, लेकिन आज एकर बदला हम कैसे चुकाई समाज से लड़ब, इन्हन से लड़ब समाज के दिखाई का कैलन है। शिव कुमार जी आल्हा का प्रमाण बा कैसे कि अरे बिटिया कहा जब अरे बिटिया कहाल जब अरे जनली मतरिया ये भैया गिरली जमीनिया परी खाई के पछा। कवन बिगाड़ हमा तोहरा के कैली भगवान ये कवर छव वाला ये कवर बेटी बेटी कही के रामा बेटी बेटी कही के पीटे लगली अपन छतिया ये बबुआ दिन रात रोवा लगली कही कही के चिघारा रो के समझावे शिव महर तवन छनवा ये भैया तवन छनवा ये भैया मुकेश का बाबू भी धा रायत यही पार काटी के समय या तब सा जहिया कई आइले ये बाबू बेटवा की शादी बदे भैल तैयार गौआ मझौली दादा गौआ मझौली मेरा सिंह के घर आया बाबू चंपा सास शादी तब की यह बदकार बहुआ पकड़ के शिवकू मार रोवे लगल बबुआ
गए हैं थाने में और जाकर के थाने में एफआईआर कैलन अपने बिटिया के प्रति। साथियों सब पकड़ लिए गए, पकड़कर सजा कटलन सब और सजा काट के जब अलन है तो फिर शादी की तैयारी के लिए बाटन सब। मुकेश कहां? सुमेर सिंह के घरे, सुमेर सिंह मझौली गांव में। लेकिन जानकारी जब भइल है भाई साहब, जब जानकारी भइल बा शिव कुमार के, जाकर के पैर पकड़ के रोवे लगलन कि हमारे बिटिया कई सब हत्यारा हम, तोहरे बिटिया के भी जान से मार दिया सब, छोड़िहन सना। लेकिन बाबू कहलक हट जो हट, हमार बिटिया के मार दिया सब, हम अपने बिटिया का शादी करब, चंपा का शादी करब। लेकिन जब चंपा के बात के जानकारी भइल है तो अपने बाबू का पैर पकड़ के कहला कि बाबू कि अरे चंपा बेटी कह बाबू मान जा बचनिया, कि अरे भेजा जा न पापी घर डोलिया हमार, अरे मान नहीं बात चंपा रोवत तवन छनवा, अरे यार थी उठावे बद हो जा तैयार, अरे खाई के जहर मरी गईली भवनिया, अरे रोव शिव कुमार बाबू असुआ के ढार। चंपा कहला बाबू उनन के घरे न जाब, अगर उन समन के घरे जाए कि कहबा शादी करबा तो हमके जीवत ना पैबा। और बेचारी चंपा जवन बा जहर खा करके मर जाती है साथियों, और जब जहर खा करके मर गई है शिव कुमार रोवत हवन का सोच के, ये बात के सोच करके, अरे रोवा बेटी चंपा तू बचवा लू पनिया, अब तू है झांसी वाली रनिया जाने ले दुनिया, शिव कुमार गुस्सा में आग बबूला होके कैलन का कि हथवा में लिहल बंदूकिया उठाई, असमधि दमाद ऊपर गोली दिए चलाई, दहेज वाली कीमत का चुका वाला सनिया, अब तू है झांसी वाली रनिया जा नहीं ले दुनिया, अपना पहला दमाद जो था मुकेश को गोली मार दिए, उसके पिता को गोली मार दिए। ये चंपा के हत्यारा ये सब हैं, मेरी बिटिया मुन्नी के हत्यारा हैं, गोली मार के बदला चुका हलन। एक बात कवि के लिखे पर का कि तना तू चेता भैया तुह के चेताई, दुष्ट का पीड़ितिया सदा ही दुखदाई, बतिया चेता के गईल ज्ञानी धनिया। तक कवि लास्ट में अपना परिचय देते हुए लिखे हैं क्या जयंती कैसेट कंपनी में कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल की धरती, चंद्रिका बिन सुन चमन ये आंखें सदा बरसती, अरे विपत्तिया कैसे सही बिटिया, अरे बेचर राम निवास की ज्ञान बरी है बतिया, विपत्तिया कैसे सही, हाँ